ग्वालियर के किला गेट इलाके में जिला प्रशासन द्वारा सड़क चौड़ीकरण के नाम पर तोड़ी गई दुकानों के लेकर अब सियासत भी गरमाने लगी है। कांग्रेस नेता ने पत्रकार वार्ता के दौरान में प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि जब प्रद्युम्न सिंह तोमर कांग्रेस में शामिल थे और बीजेपी की सरकार थी तब वो कहा करते थे कि एक इंच जमीन भी नहीं देने देंगे, और अब जब खुद बीजेपी के सरकार में मंत्री है तो गरीब व्यापारियों के आवास और दुकानों को तोड़ा गया है और उनके विस्थापन की कोई व्यवस्था भी नहीं की गई है। व्यापारी जब ऊर्जा मंत्री के पास पहुंचे तो ऊर्जा मंत्री ने झूठ बोलकर उनसे कह दिया कि उन्हें कार्रवाई की जानकारी नहीं है, जबकि वे प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री हैं। ऐसे में ऊर्जा मंत्री को इस तरह की बातें शोभा नहीं देती है। पत्रकार वार्ता के दौरान कांग्रेस के नेताओं ने किला गेट के व्यापारियों के समर्थन में पुरजोर आंदोलन करने की बात कही है। मुझे डंडे मारो, कभी आप कहते मुझे मैं इस्तीफा दे दूं, अरे भाई आप फिर गलत काम कर ही क्यों रहे कि आपको इस्तीफे देने की बात करें। तो ये जो पहले आप कहते थे एक इंच नहीं टूटने दूंगा, अगर टूटा तो माँ बाप होगा, आज आप इस्तीफे देने की बात कर रहे हैं। तो ये जनता के साथ खेल नहीं है, जनता के साथ इमोशनल ड्रामा नहीं है, जनता को उजाड़ा जा रहा है। एक तरफ आप इस्तीफे की बात करते हो तो इस्तीफा दो भाई, पहले भी आपने सड़कों को लेकर कहा मैं इस्तीफा दे दूं क्या, तो आप चप्पल उतार रहे हो, इस्तीफा नहीं देते।